हाय गाइस, वेलकम बैक टू अर्बन विस्की एंड टू द सेकंड पार्ट ऑफ आर प्रीवियस वीडियो। और जो लोग हमारे साथ आज ही फर्स्ट टाइम चैनल पे ज्वाइन हुए हैं या फिर आपने अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है, तो मैं आप सबको बता दूं कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी व्हाट इज रम के टॉपिक के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो आपके लिए लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रम्स के बारे में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है फ्रेंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि आप हम अपने लिए हमेशा ही एक बेस्ट रम बाय करके लाएं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अर्बन विस्की पे, जहां आपको ऐसी ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या फिर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार आप तक नोटिफिकेशन भी पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। वैसे तो रम्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम उन्हीं रम्स को कवर करेंगे जो कि आपको आसानी से मिल जाती हैं या फिर ईजी टू फाइंड है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइट रम के बारे में। वाइट रम इज ऑल्सो नोन एज क्लियर रम, लाइट रम और सिल्वर रम। ये एक लाइट बॉडी ड्रम होती है जिसका अपना कोई कलर या फिर ज़्यादा फ्लेवर नहीं होता। ये आपको एज्ड एंड अनएज दोनों ही मिल जाएंगी, और एजिंग के दौरान अगर इसमें कोई कलर आ जाता है तो इसको चारकोल फिल्ट्रेशन के द्वारा इसके कलर को अलग कर दिया जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वाइट रम का अपना कोई कलर या फ्लेवर नहीं होता है, इसीलिए इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कॉकटेल मेकिंग में, जैसे मोहितो, पिना कलाडो एट्सेट्रा। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बकार्डी वाइट रम, जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। और रम की अगली कैटेगरी है गोल्ड रम, एंड गोल्ड रम इज आल्सो नोन एज पेल रम। आप इसके कलर को देख के आसानी से पहचान जाएंगे कि ये एक गोल्ड रम है। और ये एक मीडियम बॉडी रम होती है, और इसमें वाइट रम के कंपैरिजन में फ्लेवर्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। और इसका गोल्डन कलर इसलिए होता है क्योंकि इसको वुडन बैरल्स में लाइट रम के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा देर के लिए इसको एज करवाया जाता है, और इसकी कलरिंग को कंसिस्टेंट रखने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का भी यूज़ किया जाता है डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी एंड प्राइस। और गोल्ड रम से जो आप मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो है वेनिला, कैरेमल, आलमंड एंड सम सिट्रस फ्लेवर्स। गोल्ड रम को बेकिंग में भी यूज़ किया जाता है। इसको आप नीट ऑन द रॉक्स विद वाटर विद कोल्ड ड्रिंक, और आप कॉकटेल्स बना के भी इसको पी सकते हैं। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ओल्ड मॉक गोल्ड रम, जो आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। और अब आते हैं रम की अगली कैटेगरी में, जो सबसे कॉमन और सबकी फेवरेट कैटेगरी है, यानी कि डार्क रम। डार्क रम इज आल्सो नोन एज ब्लैक रम और एज्ड रम। ये एक फुल बॉडी रम होती है, और इसका डार्क कलर आता है क्योंकि इसको वुडन बैरल्स में गोल्ड रम और वाइट रम के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा देर तक इसको एज करवाया जाता है। और इसमें आर्टिफिशियल कलरिंग का भी यूज़ किया जाता है इसके कलर को कंसिस्टेंट रखने के लिए, अगेन डिपेंडिंग ऑन इट्स क्वालिटी एंड प्राइस। और डार्क रम आपको देखने में डार्क ब्राउन, ब्लैक और डीप रेड कलर में भी मिल सकती है। और इसके मोस्ट कॉमन फ्लेवर्स जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो हैं स्वीट, मोलेसिस के बहुत बढ़िया नोट्स, कैरेमल, वैनिला एंड ओकीनेस। इसको कुकिंग के दौरान भी यूज़ किया जाता है, इसको आप नीट भी सिप करके पी सकते हैं, इसको आप ऑन द रॉक्स विद हॉट वाटर, विद नॉर्मल वाटर, विद कोक और कॉकटेल्स भी बना के आप पी सकते हैं, और या फिर आप जैसे भी चाहें आप इसको पी सकते हैं। और अगर आप डार्क रम के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की बात करें तो आपको ओल्ड मॉन्क, बकार्डी ब्लैक और कैप्टन मॉर्गन, जो सबसे इजीली आपको अवेलेबल मिलेंगी। और अगर आप प्रीमियम रेंज में देखना चाहते हैं तो आपको हवाना क्लब की भी डार्क रम मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारी अगली और लास्ट कैटेगरी के ऊपर, जिसमें आती है फ्लेवर्ड रम, स्पाइस्ड रम और रम लिक्योर्स। अगर स्पाइस्ड रम की बात करें तो स्पाइस्ड रम देखने में गोल्ड रम की तरह ही होती हैं। इसको बस इन्फ्यूज़ करवाया जाता है एक्स्ट्रा स्पाइसेस के साथ, ताकि इसमें स्पाइसेस का फ्लेवर आ सके। और ऐसा ही होता है फ्लेवर्ड रम्स के साथ, ये देखने में वाइट रम्स की तरह होती हैं, और इनको भी एक्स्ट्रा फ्लेवर्स के साथ इन्फ्यूज़ करवाया जाता है ताकि इनमें एक्स्ट्रा फ्लेवर दिया जा सके। और ऐसा ही
रम लिक्योर्स के साथ होता है। अगर आप स्पाइस्ड रम के मोस्ट कॉमन एग्जांपल की बात करें तो कैप्टन मॉर्गन्स स्पाइस्ड रम सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्पाइस्ड रम का। और अगर आप फ्लेवर्ड रम्स की बात करें तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है फ्लेवर्ड बकार्डी रम्स, जिसमें आपको लाइम और लेमन आपको सबसे कॉमन फ्लेवर्स मिलेंगे। और इसके कुछ और भी फ्लेवर्स आते हैं जो आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और अगर आप बात करें रम लिक्योर्स के बारे में तो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है मालिबू कोकोनट रम और कलुआ द कॉफ़ी लिक्योर। और कलुआ का रिव्यू ऑलरेडी हम अपने चैनल के ऊपर कर चुके हैं, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपके लिए लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी जानकारी व्हाट इज रम एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रम्स के टॉपिक के ऊपर। आप इस वीडियो को आई होप कि अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और ये वीडियो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी आपके लिए एक बढ़िया सी रम बाय करने में। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप अपने ओपिनियंस, एक्सपीरियंसेस और सजेशन शेयर कीजिए मेरे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। Always drink smart and responsibly. Cheers.